Hello students, today's topic is the Arab Spring. It is of 1 mark or 2 marks, not more than that, but you must have the answers with you. That's why a separate video has been made of it. The Arab Spring, it was a series of anti-government protests, uprising and armed rebellion that spread across much of the Arab world. जो वेस्ट एशिया के देश हैं और नॉर्थ अफ्रीका के अरब वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के एग्जिस्टिंग रिजाइम के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाई गई, इट वॉज अ टाइप ऑफ प्रोटेस्ट ओनली दैट रिजल्टेड इन द रिजाइम चेंज इन द कंट्री एंड दिस वी कॉल आर दिस एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इज नोन एज अरब स्प्रिंग. अपने देश के ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आम लोगों द्वारा चलाई गई प्रोटेस्ट को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं और इसके कारण बहुत सारे अरब वर्ल्ड के कंट्रीज में गवर्नमेंट चेंज हुई. जस्ट लाइक ट्यूनिशिया में स्टार्ट हुई, उसके बाद इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, यमन, मोरक्को एंड सो ऑन. इन मेनी ऑफ द कंट्रीज ऑफ अरब वर्ल्ड, अरबिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया गया. सो लेट अस सी व्हाट्स देयर इन दिस. इट बिगैन इन दिसंबर 2010 इन ट्यूनिशिया. मोहम्मद बुआ अजीज़ी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको याद करना ज़रूरी है. बाय प्रोफेशन ही वॉज अ वेजिटेबल वेंडर, फ्रेश फल सब्जियां बेचा करता था और उसने गवर्नर ऑफिस के सामने दिसंबर 2010 को ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर. व्हाई ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, दैट वॉज अ रीज़न बिहाइंड दैट कि 10 साल से भी उसने पहले काम करना स्टार्ट कर दिया. बहुत छोटी एज में अपने फादर को खो दिया, इसलिए छोटी उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर दिया. वह सब्जियों की रेडी, जो वेंडर होता है वो लगाया करता था. एक दिन वह अपने स्टैंड पर पहुंचता है और देखता है कि उसकी जगह पर कोई और सामान बेच रहा है. वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट करता है. उससे पहले उसने परमिट लेने के लिए भी गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दी थी. वह पुलिस को जाकर कंप्लेंट करता है. पुलिस उसकी हेल्प करने की बजाय उसके ऊपर सवार हो जाती है. उसकी ह्यूमिलिएशन होती है. एक लेडी कांस्टेबल उसको स्लैप भी करती है और साइड बाय साइड जब ऐसा होता है तो वो सोचता है कि ऐसी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा. आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ नॉट गिविंग मी परमिट टू सेल माई वेजिटेबल्स एंड is not doing any action against my humiliation. वो काफ़ी हरास हो जाता है और हरासमेंट में आकर वह गवर्नर ऑफिस में, जहाँ पर उसके साथ ये ज़्यादती हुई थी, उसी स्थान पर अपने आप को आग लगा लेता है. अब when he set himself on fire, his cousin shoot a video and made it viral on Facebook. 2010 में जब वो प्रोटेस्ट करता है और 4 जनवरी 2011 में उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वह बुरी तरह से जल जाता है. तो जब वह खुद को आग लगाता है तो इसकी वीडियो उसके कज़न बना लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं फेसबुक पर. आम लोगों के पास तक ये खबर पहुंचती है. जब वो ये देखते हैं तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दिस वॉज नोन एज जैस्मिन रेवोल्यूशन. जैस्मिन रेवोल्यूशन के अंडर हम देखते हैं कि अक्टूबर 2011 तक एक्टिविस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है उसको डर के मारे, क्योंकि ट्यूनिशिया की गवर्नमेंट पहले सोच रही थी कि इनको गोलीबारी करके, गोलियाँ चलाकर इस प्रोटेस्ट को हम दूर कर देंगे, इस प्रोटेस्ट को हम दबा देंगे. बट द थिंग्स वर क्वाइट ऑपोजिट टू देयर इमेजिनेशन. लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, गोलियां खाने के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे. तो हार कर वहाँ के प्रेसिडेंट जिने अल अबिदीनी बिन अली को सऊदी अरेबिया अक्टूबर 2011 में भाग जाना पड़ता है. और इस तरह इस जैस्मिन रेवोल्यूशन के कारण, एक आम आदमी के छोटे से स्टेप के कारण, अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है. ट्यूनिशिया से होते हुए वह बाकी सारे नेशंस में भी फैल जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद the things that what happens in Egypt. Egypt में क्या होता है, ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग होती है 1979 से, जो कि रूलर हुस्ने मुबारक वहाँ पर रूल कर रहे थे. हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन्ड बाई द प्रोटेस्टर्स एंड जो एग्जिस्टिंग रिजाइम है
वह टोटली चेंज हो जाता है और उसको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, सिविल वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होती है और डेमोक्रेसी की स्थापना मार्च 2011 में हो जाती है। लिबिया मोहम्मद गद्दाफी वॉज द रूलर, ही वॉज अथॉरिटेरियन रूलर सिंस मैनी मैनी ईयर्स एंड हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो थ्रोन अवे इन अक्टूबर 2001 सिविल वॉर। इन द सिविल वॉर ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड इफ यू सी द टाइम लाइन ऑफ अरब स्प्रिंग 2010 में मोहम्मद बुआजीजी ही सेट हिमसेल्फ टू फायर। इन 2011 ट्यूनिशिया प्रेजिडेंट वॉज ओवर थ्रोन। इन जनवरी 25, 2011 इजिप्ट में ताहिर स्क्वायर की अपराइजिंग होती है और फेबररी 2011 में इजिप्ट के प्रेजिडेंट को भी ओवर थ्रू कर दिया जाता है। एंड इन मार्च 2011 सीरिया में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सिटीज़न, एक कॉमन सिटीज़न के कुछ प्रोटेस्ट के कारण सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक बात पहुंचती है एंड दे स्टार्टेड डूइंग द अपराइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन दोज कंट्रीज विच वर लोकेटेड इन द अरबिक वर्ल्ड। दोज वर द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड द कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। These were having the Muslim rules over there, an authoritarian rule था और उस authoritarian rule को हटा कर democratization की process start हो जाती है and democracy was set up again under the elected government. This was all with Arab Spring, very important topic from 2 marks and 1 marks point of view. That's all. Thank you. Have a safe day. Stay at your houses and stay safe.